ये मर जाएगा बगैर सर्दी के। आज तदान खाएगा तीन तीन सर्दियों का अंडा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इस वक्त बज रहे हैं रात के 12:30 में। अभी अभी घर पे आया हूँ और आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग गुजरा है क्योंकि आज एक एग्जीबिशन थी, फिशिंग और रेप्टाइल एग्जीबिशन। वो आज हमने अटेंड करी थी और मजा आया, बड़ी अच्छी चीजें थी वहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी। अच्छा मजे की बात ये थी कि कराची में इस तरह की जगहें हैं और हमें पता ही नहीं है। और एक मिनी जू टाइप बना हुआ था नाजमाबाद ब्लॉक 1 में और वहां गए थे, मैं भी था और औरंगजेब भाई भी थे, मानी भाई भी थे, बड़ा मजा आया। फिर बाद में फैजान ने भी ज्वाइन करा था, तो आए आपको भी दिखाते हैं कि वहां पे क्या एक्टिविटीज रही। तो भाई ये वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस सेंटर पे तो हम पहुंच गए और औरंगजेब भाई भी आ गए हैं और मानी भाई आ तो गए लेकिन वो थके हुए। मानी भाई तो अब देखते हैं यहाँ चल के अंदर है, तो बहुत छोटी सी जगह लेकिन देखते हैं क्या है। और कह तो रहे हैं कि अंदर फिशेस भी हैं और रेप्टाइल्स भी हैं बहुत सारे और पैरट्स वगैरह भी हैं, लेकिन अभी तक अंदर गए नहीं हैं हम लोग। अंदर जाते हैं तो फिर बताते हैं। तो है अच्छी वैसे ना, थक गए मानी भाई और औरंगजेब भाई। हाँ जी मानी भाई। हाँ जी चले यार, अच्छा है, अच्छी एक्टिविटी है, छोटा सा एक उन्होंने बनाया हुआ है मिनी जू की तरह। सही बात है। और कराची में बीच में कराची के सेंटर में एक ऐसी जगह थी हमें पता भी नहीं था, क्योंकि चीज़ें तो काफ़ी यूनिक यूनिक है। फिशेस थोड़ी डिफरेंट हमें नजर आई है, पिराना रखी हुई थी, अब पता नहीं वो असली पिराना है या नहीं है, लेकिन है तो रखी हुई तो है। और वो जो वो थी व्हाइट क्रोकोडाइल की है। जेरा था वैसे तो लग रहा हमें तो मीठे पानी का जेरा लग रहा था यार। तो यार यहाँ से तो निकल गए हैं, अब प्लान क्या है भाई?
भाई प्लान ये है कि सूप पिला दें, सर्दी हो रही है अच्छी खासी। फैजान का फोन आया था, चलो देखते हैं फैजान से मिलते हैं कहीं पर और फिर सूप पीते हैं तो वो भी दिखाते हैं आपको। अमीनाबाद सूप और फिजान। फैजान को हमने यही बुला लिया था, मैं मानी भाई को देख कर आता हूँ। ये मर जाएगा बगैर सब्जी के। आज का दान खाएगा तीन तीन सब्जियों का अंडा। आज ये हमारे भाई हम लोग को दावत दे रहा है तो आज सब सारी चीजें भर भर के लाना जो ये बोल रहा है। ये नहीं बेटा, बात कुछ ऐसी है कि अगर बंदा बाहर जाए तो आगा की चाय तो बनती है ना यार, ठंड का मजा ले रहे हैं। अरे यार ठंड तो खूब है यार। अबे हमें ट्रिप कब करना है? पता नहीं कब करना है। मानी भाई ट्रिप जुमेरात, पिछली भी जुमेरात ही थी। तो भाई मानी भाई कह रहे हैं कि जुमेरात का ट्रिप करना है और हम पिछली जुमेरात को ना बिल्कुल खाली हाथ वापस आए। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें भाई। जुमेरात को चले यार, जुमेरात को अभी बस कर दे मानी भाई। पिछला अपने जो है ना खाली जो आए वो जुमेरात हर बार थोड़ी होता है यार। और इनके भाई साथ है हमारे यार। यही तो मसला है सारा। वो भूल गया सारी चीजें भाई, कुछ ऐसे ही चल रहा है भाई। हमारा ट्रिप नहीं बन के दे रहा। तो भाई हमारा फिशिंग का ट्रिप तो पता नहीं कब बनेगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इस वेदर में हम फिशिंग पे जा सकेंगे। और फिर आपने आज टोपियाँ भी देख ली हैं सबकी, कि कोई जुमेरात का कह रहा है, कोई जुम्मे का कह रहा है, कोई हफ्ते का कह रहा है, कोई इतवार का कह रहा है। तो देखते हैं हमारा ट्रिप कब बनता है। आज की वीडियो में इतना ही, अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप जो करना चाहें करें, बस अम्मियों का ख्याल रखा करें यार। ठीक है, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।